चतुर्वेदी और चलते हैं बड़ी खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फरीदाबाद में रविंद्र नारायण विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वही बता दें आपको दो दिवसीय बैठकों में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, जहां पर केंद्रीय महामंत्री का दायित्व मिलिंद पांडे के पास है। तो खबर आपको फरीदाबाद से बता रही है, रविंद्र नारायण विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं दो दिवसीय बैठक में सर्वसहमति से ये फैसला हुआ है, केंद्रीय महामंत्री का दायित्व मिलिंद पांडे के पास है। तो वहीं फरीदाबाद में ये फैसला लिया गया है, रविंद्र नारायण विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए दीपेश जैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपेश, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर रविंद्र नारायण विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी वर्तमान में अनन्या जो विहिप के विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विष्णु सदाशिव खोखे, जो की पूर्व राज्यपाल और पूर्व न्यायाधीश रहे हाईकोर्ट के, तो उन्होंने उनकी उम्र 82 वर्ष हो गई थी, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि अब वो ये पद छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद न्यास बोर्ड है उसकी बैठक हुई और उसमें सभी पदों पर फिर से चर्चा हुई और जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में और जो सर्जन रहे हैं बिहार से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, ये पद्मश्री अवार्डी हैं, 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो इन्हें अब ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ कई और पदों में भी फेरबदल किया गया है। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह अब विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष हैं और कल जब बोर्ड की बैठक हुई तो उसमें ये भी तय हुआ कि धर्मांतरण रोकने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद जो है सख्त कदम उठाएगा। कई गांव में हिंदू परिवार शून्य बचे हैं और मेवात जो हरियाणा का मेवात इलाका है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थली रहा, वहां पर एक भी या वहां पर 5 केवल हिंदू परिवार बचे हैं, तो ऐसे अब काम विश्व हिंदू परिषद करेगी धर्मांतरण को रोकने के लिए, उन क्षेत्रों में जाएगी। और साथ ही साथ कई और नई जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं विश्व हिंदू परिषद में। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब नए अध्यक्ष के आने के बाद विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर सक्रिय तौर पर नजर आएगा। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जो कि कई सालों से सामाजिक और धार्मिक और यहाँ पर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब वो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। निवेश जी, और किस किस को दायित्व सौंपे गए हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो कार्यकारिणी बनी है उसमें अशोक राव चौगले को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बताएं कि डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह उपाध्यक्ष थे जिनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक कुमार कार्याध्यक्ष जो थे और अब आलोक कुमार जो है कार्याध्यक्ष होंगे और बतौर कार्याध्यक्ष विदेश का काम देख रहे अशोक राव चौगले को उपाध्यक्ष बनाया गया। चंपत राय उपाध्यक्ष बने रहेंगे और मिलिंद पांडे के पास केंद्रीय महामंत्री का दायित्व रहेगा। तो फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद प्रबंध समिति की ये 2 दिवसीय बैठक थी और पहले दिन ये कल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा कई और उपाध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट में, जिनमें जीवेश्वर मिश्र, डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशपांडे, ओम प्रकाश सिंघल, गंगराजू, हुकुम चंद सांवला, सुशील तराप और रमेश जैन भी जो है विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। जी धन्यवाद दीपेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर फरीदाबाद से, जहाँ पर रविंद्र नारायण विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता देंगे 2 दिवसीय बैठक में सर्वसहमति से फैसला हुआ है, केंद्रीय महामंत्री का दायित्व यहाँ पर मिलिंद पांडे के पास है।